आज हम करने वाले हैं तीन अलग अलग बजट के साथ में ऑल नाइट सर्वाइवल चैलेंज, और ये प्रिंक अवार्ड डिसाइड करेगा किसको कितना बजट मिलेगा। उसको उसी बजट के अंदर बनाना होगा अपना एक टेंट हाउस और उसमें बितानी होगी पूरी रात। देखते हैं मेरे को कितना बजट मिलता है अपना घर बनाने के लिए। 500 रुपए मिलेगा, 500 और मुझे मिलने वाला यार इस बार भी मेरे को 250 मिले। अब मैं डालता हूँ मेरे को कितना बजट मिलता है। 7 करोड़ सबसे कम मिलेंगे। 15,000 चाहिए मुझे, 7 करोड़ नहीं चाहिए। 15,000 मिल गए इसको। तो गाइस देखते हैं मेरी किस्मत में कितना है बजट। 150 रुपए मिलेगा भाई, सबसे ज्यादा 1500 मिले इसको। मेरे को मिले है 15,000 रुपए। मुझे मिले 1500 रुपए। मेरे को मिले 250 रुपए। यार इसमें क्या आएगा? मैंने लिया है व्हाइट कपड़ा। मैं ले रहा हूँ ये बोरी क्योंकि मेरी बजट में यही आ रही है। मैंने लिया एक फैन। मैं ले रहा हूँ इतने सारे बांस। मैंने लिया ये तिरपाल। मैंने लिया ये पतले बांस। मैंने लिए इतने सारे स्नैक्स। तो भाई साहब आपको दिखाता हूँ यार बाजार से कौन कौन सा आइटम खरीद के लेकर आए। तो सबसे पहला नंबर आता है मेरा, तो मैं लेकर आया हूँ यार 100 रुपए का तिरपाल। 20 रुपए की ये है मेरी बोरी जिसके अंदर मैं बनाऊंगा बेडशीट। और ये देखो 50 रुपए के मेरे बांस है और 50 रुपए के मेरे स्नैक्स है। और अभी भी बात रहे मेरे पास 30 रुपए जिसका मैं आगे सरप्राइज देने वाला हूँ और मेरा घर होगा सबसे बेस्ट। इस बोरी का बजट तो देख लिया आप। देखो मेरा ये देखो 300 रुपए का मेरे पास है तिरपाल, 200 रुपए के बांस, 100 रुपए के बेडशीट और यहाँ पे मेरे पास 100 रुपए के स्नैक्स। और साथ में यहाँ पे है मेरे पास एक फैन जिससे मुझे नहीं लगने वाली है गर्मी। और साथ में ये देखो ये मेरे पास देसी चूल्हा, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ दाल बाटी, आराम से खाऊंगा यार। ये तो कुछ नहीं है, तो थैली का बजट मेरा देखो 15,000 का बजट यार। ये देखो कुर्सी है मेरे पास तो, टी टेबल, ये पूरा सेट मेरा 3,000 रुपए का है। और ये देखो कपड़ा, व्हाइट कपड़ा टेंट बनाने के लिए। और ये देखो इतने सारे बांस है यार। मेरा बेड यार कितना लग्जरी है। टॉयलेट सीट, ये देखो वॉश बेसिन, कोलगेट बैग। और ये देखो इतने सारे स्नैक्स, गुलाब जामुन है भाई साहब, बहुत खाऊंगा गुलाब जामुन में तो। नहीं खाने दूंगा, मैं खा लूंगा। ये देखो लोटो चोकोपी, फैन है, गर्मी लगेगी तो फैन चलाऊंगा यार, मजे ही मजे अपनी लाइफ में। तो आप बने देख कर और देखे किसका घर सबसे बेस्ट होता है। मेरा होगा। गाइस मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल शेप में झोपड़ी और मेरी झोपड़ी काफी सुंदर होगी और सबसे फास्ट बनेगी। गाइस मैं बना रहा हूँ राउंड शेप में घर जो कि एक नंबर का होने वाला है। मेरा बनने वाला है 2 मंजिला लग्जरी हाउस और इन दोनों से तो काफी अच्छा बनेगा मेरा। गाइस अपना तो घर लगभग बन चुका है और हम तो करते हैं मौज, आराम से छाछ भी और मौज करो। और देखो दोनों परेशान हो रहे हैं। क्या मौज करे, थैली में परेशान होगा परेशान। ये देखो मेरी झोपड़ी का पूरा बेस कम्प्लीट हो चुका है और लग रही पूरी ट्रेडिशनल झोपड़ी। क्या ट्रेडिशनल झोपड़ी, कुछ नहीं पिंजरा पिंजरा ही है, घर तो इधर बनेगा। ये देखो अपनी सिंगल मंजिल बन चुकी है, खेत का डाल है, देखो जैसे गिर चुकी है, नहीं गिरी है। तो गाइस अब कर रहे थे हमारे घर को होम टूर, तो सबसे पहला नंबर आता है मेरा। तो तैयार है मेरा ट्रायंगल शेप में झोपड़ी, भाई काफी सुंदर लग रही, काफी मजबूत है, मैं तो आराम से रह सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे विचार रखी है एक बोरी जिसमें मैं सोने वाला हूँ। और खाने पीने के लिए मेरे पास देखो पाले जी बिस्किट है, कुरकुरे है। और पीछे रख रखी मैंने काफी बड़ी साइज की विंडो जहाँ से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, यार मुझे तो काफी मजा आने वाला है। ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी इसमें से, आदमी अंदर आ जाएगा। तो कैसे आपने यहाँ इसका पन्नी का यार घटिया सा रूम तो देख लिया। अब देखो मेरा ये देखो यार ट्रेडिशनल घर है, एक नंबर का, शंकु की शेप वाला है। वो देखो कितना शानदार लग रहा है यार, एक नंबर का लग रहा है यार। ये देखो अंदर जाने से पहले यहाँ पर मेरे पास है देसी चूल्हा, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ दाल भाजी, इनको नहीं खिलाने वाला हूँ। और अंदर देखो यार अंदर मेरे पास यहाँ पर है कुछ स्नैक्स और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा फैन, इससे मैं गर्मी से बचूंगा, मुझे यहाँ पे गर्मी नहीं लगने वाली। वो देखो अंदर से कितना शानदार लग रहा है भाई साहब, एक नंबर का लग रहा है। और यहाँ पे मैं आराम से सोने वाला हूँ यार। ये छोटी छोटी झोपड़ियां तो देख लिया, अब बताता हूँ आपको असली लग्जरी 2 मंजिला लग्जरी हाउस। ये देखो यार बाहर से देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अंदर से आ जाओ अंदर भाई साहब, अंदर देखो। ये देखो बेड है, बेड लग्जरी बेड, तो क्या है आराम से सोऊंगा मैं तो इस पे। और ये देखो टॉयलेट सीट भी है, हाय हाय। और ये देखो वॉश बेसिन भी है, क्या करेगा यहाँ पर। और ये देखो इतने सारे स्नैक्स है, ये मटकी है मेरे पास तो पानी पीऊंगा ठंडा ठंडा, इनके पास कुछ नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको सेकंड मंजिल का नजारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मेरा सेकंड मंजिल का नजारा भाई साहब, ये देखो कुर्सी, हाय हाय कितनी अच्छी है ना। और ये देखो फैन है, गर्मी लगेगी तो चलाऊंगा मैं इसे,
आराम से। वो ये देखो इतने सारे फल फ्रूट है भाई साहब, लाल पड़ रही अभी से। चल चल नीचे जा, और ज्यादा गर्मी लगेगी ना, ऊपर ही सो जाऊंगा आराम से मैं। ओ ये क्या कर रहा भाई, ओए चल चल यार, ये चोर कहां से आ जाते हैं। गैस रात हो चुकी है और मुझे लग रही है काफी जोरों से भूख, और देखो मेरे पास खाने के लिए क्या है, ये कुरकुरे हैं और ये पाले जी, ये अभी खा लूंगा तो मैं पूरी रात कैसे बिताऊंगा। गैस मेरा घर तो काफी अच्छा है लगी, अब लग रही है भूख, तो यार खाना बनाने की तैयारी करता है क्योंकि मुझे दाल बाटी में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। गाइस अपने लग्जरी हाउस का यार लुक देखो यार, कितना जोरदार लग रहा है। ये लाइट्स देखो यार, ये लाइट देखो, वॉश बेसिन देखो, और एक बार आउटर लुक देखो यार, कितना जोरदार लग रहा है यार भाई साहब, एक नंबर लग रहा है ना भाई। हाँ भाई यार कितना जोरदार लग रहा है। और ये लाइट देखो यार अच्छी लग रही है ना, कॉमेंट में बताना। और ये बेड के नीचे कौन आ गया यार, खटमल कौन है। अरे बाहर निकल रहे भाई, बाहर निकल बाहर, ये तो 250 रुपये वाला खटमल है, हर बार 250 रुपये आता। चल अपने 250 रुपये की झोंपड़ी में निकल, अरे तू भी निकल, तू किधर बोल रहा है। चल लाइट रख नीचे, चल 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 अपना, नहीं नहीं साथ में नहीं जा, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये। नहीं खा नहीं, मेरे पाव भाजी बनाऊंगा अभी मैं। दाल बाटी बनने में तो यार समय लगेगा, तब तक खाते हैं सैंडविच बिस्किट। एक मेरे को भी दे दे, मैं खिलाना हूँ इसके साथ फ्री है ना, एक वो दे दे। नहीं दूंगा, ले एक मेरे को दे दे, मेरे लग्जरी आएगा तब दे दूंगा तेरे को। अब करते हैं गुलाब जामुन की अनबॉक्सिंग, और यहाँ पर खुले में अनबॉक्सिंग करने का अलग ही मजा, और खाने का तो अलग ही मजा है। हाँ भाई ऊपर खाने में तो काफी। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार, हाय हाय 250 रुपये का। हाँ भाई कर, इसमें तो बड़े बड़े गुलाब जामुन है भाई, 250 रुपये के हैं, 250 रुपये की तो झोपड़ी है मेरे, 250 रुपये गुलाब जामुन है। अब बाद में खाऊंगा, जाओ दाल बाटी खाओ तुम। गाइस इसमें बन रही मैं दाल, अब सिर्फ मुझे बाटी बनानी है। वैसे यार चूल्हा सही नहीं लग रहा है तो इस फैन का उपयोग लेते हैं। ओहो आहा कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना अच्छा फैन लाया आ रही मैं, बहुत अच्छा यार, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही यार इससे। और उधर देखो चीटियों सा घर है, चीटियों सा बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं यार। गाइस मेरे बाल ठीक कर लेता हूँ, बिगड़ गए हैं। फैन भी अच्छा, हवा भी अच्छी आ रही है, एप्पल भी अच्छा है, हाउस भी अच्छा है, लग्जरी है। वो देखो उधर ठेलिया है, इधर देखो उधर वो गुलाब जामुन खा रहा है, इधर ये दाल बाटी बना रहा है, और मुझे लग रही है भूख, तो क्यों ना हम भी खाते हैं कुरकुरे। ये है हमारा मसाला मंच, तो फटाफट से खोलते हैं। पेट भी नहीं भरता, सब बढ़ा जाएगा। तुम खाना चाहते हो? नहीं खाएंगे। मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं इनको खिला सकता हूँ, हमें गरीब लोग नहीं खिला सकते, अमीर लोग खिला सकते हैं। 250 करोड़ का कंपनी का मालिक हूँ, टेला एंड टेला बिजनेस कंपनी। गाइस हमारी बन रही है पाव भाजी, अभी बन रही है भाजी, उसके बाद करेंगे पाव को गरम। ये बना रहे दाल बाटी, दाल बाटी तो रोज खाते हैं यार, क्या रोज दाल बाटी यार। इसको क्या पता मसाले कुरकुरे कैसे होते हैं, इसीलिए इसके 250 रुपए आते हैं। भाई मेरा आए थे अभी लास्ट वीडियो में, कितने आए थे मेरे? 1500 रुपए आए थे, 20,000 स्विमिंग पूल बुक किया था मैंने। इसकी नहीं बनी है पाव भाजी, और इसकी नहीं बनी है बाटी, और हम करेंगे पार्टी। तो गाइस यार मेरी दाल बाटी बनकर तैयार हो चुकी है, अब खाते हैं दाल बाटी। यार क्या शानदार लग रही है, एक नंबर की, टेस्ट लाजवाब है यार। कैमरामैन खाएगा, भूख नहीं लगती कैमरामैन को। गाइस हमारी पाव भाजी रेडी है और अब खाते हैं, भूख बहुत लग रही है यार। हाय हाय इसमें यार भूख बहुत लग रही है। अरे मुझे लग रही है यार भाई, तू उधर जाना है यार। हाय प्याज, हाय हाय एक नंबर गाइस। गाइस ये देखो यार मेरा घर अंदर से कितना शानदार लग रहा है, बस यार इस घर के अंदर एक छोटी सी कमी है कि इसमें मैं ओढ़ने का नहीं लाया यार, ओढ़ने का लिया था तो ठीक रहता, बिछाने का लाया वो भी यार प्रॉपर पूरा अंदर नहीं आ पाया, आधा अधूरा आया, तो इससे मेरे यार कंकड़ छुप रहा है, प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूँ मैं। गाइस मैंने ऊपर सोने की कोशिश की थी लेकिन
ऊपर ठंड बहुत लग रही है, इसलिए मैं तो यहाँ से नीचे ही सोऊंगा और मेरे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉग बहुत भौंक रहे हैं यार, बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, नींद ही नहीं आने दे रहे मेरे को तो यार। चलो सोते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। गुड नाइट गाइस, अब हमारे 30 रुपए इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। रात के लगभग 2 बजने में आई है और देखो मैं लेकर आया था 10 रुपए की चाय की पत्ती, 10 रुपए का दूध लेकर आया था और 10 रुपए की शक्कर। तो अब बनाते हैं चाय और ये दोनों देखो दोनों आराम सो रहे हैं। साग तो बनाने की धोना पड़ेगा इसको तो। तो गाइस अब बनाते हैं चाय, तो पहले चूल्हा लगा लेते हैं। इस छोटे से झोपड़े में कैसे रहूँगा, इस वजह से मैंने दूध चाय पत्ती सब एक साथ ले लिया था ताकि मैं पूरी रात चाय बनाकर पीता रहूं और जगता रहूं। तो ये रखा हमने पतीला, ये डाल दिया हमने दूध, शायद इतनी काफी है। शक्कर 10 रुपए की नहीं डालेंगे, 5 रुपए ही डालेंगे। आम स्वाहा। गाइस मेरी चाय बन चुकी है, तो फटाफट से छानते और पीते हैं। चाय एक नंबर। गाइस लगभग रात की 3 बज चुकी है और मुझे इस झोपड़ी के अंदर यार बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे तो मेरे कंकर चुभ रहे हैं, अब इन कंकर में मैं कैसे सोऊं। बस यहाँ तो हम जैसे तैसे रात गुजारनी है, सुबह होने का इंतजार करते हैं बस। गुड मॉर्निंग गाइस, अब की बात यार मेरी हालत भी पूरी खराब रही यार, पूरी रात ही ऐसे कंकर चुभ रहे यार, और इधर से करवट इधर लेता हूँ इधर से इधर लेता हूँ। सुबह हो चुकी है और मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई यार इसमें, और हम अच्छा वेट था। चलो नाश्ता करते हैं और पोहे बनाते हैं। सुबह हो चुकी है और मेरी तो पूरी रात इस झोपड़ी के अंदर सबसे घटिया बीती है यार, बहुत सारे कंकर चुभ रहे, पूरी रात सो नहीं पाया यार। गाइस अब पोहे बनाते हैं। पोहे से खिचड़ी ना बन जाए, ध्यान रखना। गाइस हमारे पोहे तैयार है, पोहे नमकीन डालते हैं। पोहे कम खिचड़ी लग रही है ये। मुझे भूख लग रही है। क्यों भाई? ना 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 ना, ऐसा व्यवहार नहीं रखा अभी। रख ले यार, बेकार है यार, ठीक मजे नहीं है यार। काफी पुराने पुराने सड़े सड़े पोहे गाइस, काफी पुराने पुराने सड़े सड़े पोहा खा रहा है ये। एक नंबर है भाई साहब, हम तो रोज ताजा ताजा खाते हैं। कहाँ खाते हैं? आज नहीं खा पा रहे, कल खाएंगे। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। देखो ये इतने अमीर हो गए कि चाय को भी इस फैन से ठंडी कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। चाय पी लो, चाय पी लो, हाँ खा लो, चाय पी लो।